यह है कि बिटिया बिठाई जाती है सर पर, बिल्कुल वही लखनऊ कानपुर से एकदम आते हुए, कि बिटिया बिठाई जाती है सर पर, कभी पैर नहीं लगती। बिटिया बिठाई जाती है सर पर, कभी पैर नहीं लगती। जमाने वाले समझ जाओ, इन तलवारों को चलने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक शेर फिर से आज के लिए, के मैं जो कुछ भी हूं आज उस खुदा की रजा से है, मैं जो कुछ भी हूं आज उस खुदा की रजा से है। मेरे घर में बरकत बेटी की वजह से है, मेरे घर में बरकत बेटी की वजह से है। एक शेर मापे के, जिस दुपट्टे से, ये ख्याल मैं बिल्कुल बता दूं, मैंने मुनव्वर राणा साहब से जब उनको सुना तब मैंने ये लिखा, मैं बिल्कुल बता देता हूँ, वरना आजकल लोग एड्रेस नहीं करते इन चीज़ों को। मैं बिल्कुल फकीर आदमी साहब सब बता देता हूँ, कि जिस दुपट्टे से पोंछे थे आंसू मैंने, माँ ने आज तक वो चुन्नी धोई नहीं है। जिस दुपट्टे से पोंछे थे आंसू मैंने, माँ ने आज तक वो चुन्नी धोई नहीं है। मैंने रवानी में आकर यूं ही कह दिया था कि मुझे डर लगता है, नतीजा ये कि मेरी माँ आज तक रात में सोई नहीं है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैम। चलिए फिर से एक बेटियों के लिए, आज जो मैं लाया था वो सुनिएगा, कि मरने के बाद भी घर से कहाँ जाती है, मरने के बाद भी घर से कहाँ जाती है, मेरी माँ की झलक मेरी बेटी में आती है। मरने के बाद भी घर से कहाँ जाती है, मेरी माँ की झलक मेरी बेटी में आती है। और जैसी उसकी मर्जी के बिना आसमान नहीं चलता। सूरज सर ध्यान दीजिए, तेजवी सर, जैसे उसकी मर्जी के बिना आसमान नहीं चलता, मेरे यकीन करिए बेटियों के बिना खानदान नहीं चलता। मेरे यकीन करिए बेटियों के बिना खानदान नहीं चलता। और कुछ जालिम या तो घराई लक्ष्मी को फेंक देते हैं, ये आज के हाल है, कुछ जालिम या तो घराई लक्ष्मी को फेंक देते हैं, जो फेंक नहीं पाते वो बेच देते हैं। जो फेंक नहीं पाते वो बेच देते हैं। पर एक शेर आप लोग ऑफेंड मत होना, बट ये मेरा अपना मानना था, तो ये आजाद चीज है, मैं आपसे आप लोगों के आगे पढ़ना चाहूंगा, कि कभी ना डूबने वाला सफीना हो जाऊंगा, जब बाप बनूंगा तो बेटे की हिफाजत के लिए कमी ना हो जाऊंगा। आगे सुनिएगा, कि हर बाप जब भी देखकर चेहरा बेटी का घर से निकलता है, हर बाप जब भी देखकर चेहरा बेटी का घर से निकलता है, जब उससे वजह पूछो तो कहता है वो बरकत है जिससे मेरा घर चलता है। ये वो बरकत है जिससे मेरा घर चलता है। और गरीब सा एक बाप बहुत अमीर हो जाता है, गरीब सा एक बाप बहुत अमीर हो जाता है, रिक्शा चलाता है, बेटी पढ़ाता है, बेटी कामयाब होती है, बाप मशहूर हो जाता है। बेटी कामयाब होती है, बाप मशहूर हो जाता है। और मैं संभाल ना पाऊं वो खुशियां काफी दे देगा, मैं संभाल ना पाऊं वो खुशियां काफी दे देगा, मैं माँ के बाद बेटियों पे लिख लूं वो माफी दे देगा। बहुत शुक्रिया, जिस जोन से मुझे आवाज चाहिए थी वहां से मिल रही है, बस मुझे लगा आज हो गया सब। आगे सुनिएगा, कि मैं माँ के बाद बेटियों पर लिख लूं वो माफी दे देगा। और वो सीता भी बेटी थी, वो सती भी दुलारी थी, वो सीता भी बेटी थी, वो सती भी दुलारी थी। मेरे यकीन करिए जो होते ही मार दी गई वो बेटियां भी बहुत प्यारी थी। मेरे यकीन करिए जो होते ही मार दी गई वो बेटियां भी बहुत प्यारी थी। और ना रौनक, ये नसीहत है और एक धमकी भी है, कि ना रौनक होगी ना शहर होगा ना शहर में कोई मकान होगा, ना रौनक होगी ना शहर होगा ना शहर में कोई मकान होगा, बेटियां ही नहीं रहेंगी अगर तो शहर में कुछ नहीं होगा, सिर्फ शमशान होगा। एक शेर और, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। एक शेर ये सुनिए, कि एक मिनट मैं जरा निकाल लूँ, अच्छा चीज थी तो कभी कभी नहीं मिलती अच्छी चीज, कभी कभी हमें तेजवीर साहब कई बार नहीं मिलते। ये है कि बातें बातें बातें
वादे बनाने से कुछ नहीं होगा, बहादुरी जताने से कुछ नहीं होगा। अगली लाइन ध्यान से सुनना, जिस मौजू में पढ़ रहा हूं उसी मौजू में सुनिए कि बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, बहादुरी जताने से कुछ नहीं होगा, और देश को सुधारना है तो पकड़ के काट दो सालों को। देश को खर सुधारना है तो पकड़ के काट दो सालों को, ये मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होगा।